देखिए भाजपा झूठ बोलती है, अलग अलग मुद्दों को बार बार गलत तथ्यों के साथ लेके आती है, योजनाओं के नाम ही नहीं बदले गए, योजनाएं भी बंद की गई है। ये हम विधानसभा में बताएंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे योजनाओं को कैसे बंद कर रहे हैं। ये तो नई योजना चलाने की बात करें तो आज पुरानी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। पर्ची की सरकार है, घिरी हुई है। राजस्थान विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को बनाए हैं हमारे साथ। जूली साहब खुद मौजूद हैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए। सर किस तरह से देख रहे हैं आलाकमान ने एक नई जिम्मेदारी दी है? देखिए बड़ी जिम्मेदारी है आलाकमान ने जो मुझे दी है, और मैं समझता हूँ काफी सीनियर अनुभवी लोग और सब के बीच में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, सबसे सामंजस्य बैठा के सब लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ प्रदेश की जनता की आवाज कम उठाएंगे। 3 बार का विधायक का जो अनुभव है आपका, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तौर पर फ्लोर मैनेजमेंट कर पाएंगे? देखिए करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस एक परिवार है, परिवार के छोटे व्यक्ति को बड़े ज्यादा लाड करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम सब लोग मिलके इस भूमिका को अच्छे से निभाएंगे और सब लोग सहयोग से। अब की बार यहाँ जो विपक्ष है वो कमजोर नहीं है, बहुत अनुभवी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, युवा साथी भी हैं, सब लोग मिलकर प्रदेश की जनता की आवाज को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी हम उठाएंगे। ऐसी चेहरे से आप आते हो, आगे लोकसभा चुनाव है, क्या माने कि एक बड़ा दाव खेला है पार्टी ने? देखिए हर चीज को अपन राजनीतिक नजरिए से नहीं देख सकते कि कोई दाव खेला है, लेकिन मैं कह सकता हूँ हाँ, एक ऐसा वर्ग है जो वंचित है, वर्षों से पीड़ित रहा है, आज उसको मौका मिला है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आलाकमान को। पूरा वर्ग जो है मेरा इस चीज के लिए धन्यवाद देता है कि एक दलित समाज के व्यक्ति को भी आज ये मौका मिला है। क्योंकि कांग्रेस का कोर वोट बैंक कहा जाता है, भाजपा ने इस पे सेध मारी की थी। देखिए भाजपा झूठ बोलती है, अलग अलग मुद्दों को बार बार गलत तथ्यों के साथ लेके आती है और उस चीज का वोट के अंदर लाभ उठाना चाहती है, लेकिन अब ये सारी चीज जो मैं समझता हूँ जनता की समझ में आ गई है और अब की बार भी पूरे वर्ग ने मजबूती के साथ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। भाजपा सरकार आते ही कई योजनाओं के नाम बदले गए, योजनाओं के नाम ही नहीं बदले गए, योजनाएं भी बंद की गई है। ये हम विधानसभा में बताएंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे योजनाओं को कैसे बंद कर रहे हैं। ये तो नई योजना चलाने की बात करें तो आज पुरानी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। क्या है मुद्दे रहेंगे आगामी 5 साल तक? जो योजनाएं बंद कर रहे हैं उनको मुख्य रूप से वो है, योजनाओं में बदलाव कर रहे हैं वो है, नाम बदल रहे हैं वो है, इसके अलावा युवाओं की, महिलाओं की, वंचित वर्ग की, दलित की, पिछड़े की, व्यापारी की, किसान की, सब हर वर्ग की जो समस्या है उनको प्रमुखता से हम यहाँ पे दिखाएंगे। युवक भी इस बार है, वरिष्ठ भी है, समन्वय में बैठाना पड़ेगा आपको, तालमेल बैठ जाएगा अच्छे से बैठेगा। घेर पाएंगे अगले 5 साल तक भाजपा सरकार को? घिरी पड़ी है, ये तो पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार है, घिरी हुई है। अब तक के जो निर्णय है वही सबके सामने, अब तक जो सरकार ने निर्णय लिए, अभी मैं देख रहा था परसों मुख्यमंत्री जी का बयान था कि हमने मोदी जी की 100 दिन की कार्य योजना को 30 दिनों में पूरा कर दिया है, और मैं एक ऑर्डर भी देख रहा था जो पिछले 30 दिनों का निकला हुआ है जिसमें ये सरकार ने रोक लगा रखी है कि कोई भी काम जो सैंक्शन है, जो काम टेंडर जिसके हो गए हैं, वो काम जिसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं, या वो काम जिसकी सामग्री का क्रय नहीं किया गया वो सब रोक दिए जाए, तो फिर कहां से इन्होंने पूरे कर लिए। आपके साथी महेश जोशी के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई है, लगातार ईडी के निशाने पर कांग्रेस के नेता। निश्चित तौर पर ये तो आज ईडी को एक हथियार बना लिया गया है। ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई जो कर रही है और उसके बाद उसकी कन्वेक्शन जो रेट है वो जो है बहुत कम है, वो 1% से भी कम है, पॉइंटों के अंदर है। तो वो जो स्थिति है वो आज पूरा देश देख रहा है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को जनता को डराने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर आप जाओ आम आदमी पार्टी को घेर रखा है, बिहार में आप जाओ तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश को घेर रखा है, इस प्रकार का इन लोगों ने अभियान चला रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बने हैं और कहीं ना कहीं आगामी 5 साल इनके क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से भाजपा की सरकार को ये घेर पाएंगे सदन के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। और खासतौर पर जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार में आई थी, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस लोकसभा चुनाव से पहले भुनाना चाहेंगे। और जिस तरह से कई योजनाएं कांग्रेस की बीती पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाएं थी उनका नाम बदला गया, योजनाओं को तंग बंद कर दिया गया, ऐसे में टीकाराम जूली कह रहे हैं कि उन मुद्दों को लेकर सरकार को वो पटल पर घेरेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।